खबर चूरू के सुजानगढ़ से है, जहां राजकीय बगड़िया अस्पताल में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती नजर आ रही है। यहां मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आपको बता दें कि इस अस्पताल में करीब 200 गांव के लोग उपचार के लिए पहुंचते हैं और यहां रोजाना की ओपीडी 700 से 800 के करीब है। बावजूद इसके मरीजों को स्वास्थ्य जाँच बाहर से करवानी पड़ती है और साथ ही दवाइयां भी बाहर से लानी पड़ती है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अस्पताल में जिले की सबसे महंगी कलर डॉपलर सोनोग्राफी मशीन होने के बाद भी आखिर मरीजों को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। वहीं इस मामले में विभाग के अधिकारी जिम्मेदारियों का हवाला देकर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं।